नमस्कार फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक सब कुछ हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI CSP के कमीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इतने मेहनत के साथ जो है हम काम करते हैं SBI CSP में, लेकिन वहाँ पे कुछ जो है कंपनी का डिडक्शन होता है और कुछ जो है GST यहाँ पे कट जाता है। तो यहाँ पे ऐसा हम क्या वर्क करें, कैसे वर्क करें कि जो कि हमारा कमीशन से कम GST डिडक्ट हो, उसी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि SBI CSP से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए हम बात कर रहे थे कि अपने कमीशन से कम जो है GST यहाँ पर हमारा कटे हमारा कमीशन से। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं SBI CSP में जिसपे कि GST कटता है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे कि हमें GST नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखेंगे कि किस प्रोडक्ट पर GST करता है और किस पे नहीं करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको कमीशन चार्ट यहाँ पे शो कर देते हैं। यहाँ पे आप कमीशन डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जितने भी SBI CSP में प्रोडक्ट पे काम किया है उससे जो अर्निंग हुआ है पूरा यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल्स में जितने भी आप प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ के आगे जो है GST लगा हुआ है और कुछ के आगे GST नहीं लगा हुआ है। सबसे अगर ऊपर से आपने देखना स्टार्ट करेंगे तो रूरल कमीशन जिसमें कि GST नहीं लगा हुआ है उसमें GST नहीं कटता है, लेकिन मनी ट्रांसफ़र के आगे GST लगा हुआ है। यानी कि मनी ट्रांसफ़र से जितने भी हमें कमाई करते हैं, जितना भी अर्निंग होता है उस पर हमें GST देना पड़ता है। अगर उसकी हम बात करें यहाँ पे कैश डिपॉजिट की, कैश डिपॉजिट में हमें GST नहीं देना पड़ता है। तो ये दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अगर कोई भी CSP का अगर कस्टमर है, अगर वो अपना अकाउंट लाता है तो उससे आपको मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर GST कट जाता है। लेकिन अगर आप CIF से उसका डिपॉजिट करेंगे तो उसका जो है GST नहीं कटता है। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्क करेंगे तो अपने कमीशन से कम जो है आपका जो है GST डिडक्ट होगा। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे पूरा हम आपको डिटेल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको मनी ट्रांसफर में GST देना होता है, अकाउंट ओपनिंग में GST देना होता है, पासबुक प्रिंटिंग कॉस्ट जो भी आता है उसमें GST नहीं होता है, क्योंकि जो पहले ही हम पैसा उसको इन्वेस्ट कर दिए होते हैं उसका जो है रिफंड हमें मिलता है तो उसका जो है GST नहीं कटता है। APS ऑनेस्ट डिपॉजिट में है GST कटता है। तो यहाँ पे हमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे जैसे अगर कोई आधार से अगर डिपॉजिट करना चाहता है तो उसका हम जो है पासबुक का डिमांड करेंगे, क्योंकि अगर उसका पासबुक से हम डिपॉजिट करेंगे तो उसमें GST नहीं कटेगा, लेकिन APS के थ्रू अगर हम उसका डिपॉजिट कर देंगे तो उसमें GST हमें देना होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के अगर हम वर्क करेंगे तो कम से कम जो है हमारे कमीशन से जो है GST डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपका जो है 35 से 40 हज़ार का अगर कमीशन आता है उसमें आपका लगभग आपका जो है 1,000 का कमीशन जो है आपका डिडक्ट हो जाता है GST में। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके आप अगर वर्क करेंगे तो आपका जो है कमीशन इंक्रीज़ भी होगा और आपका GST भी कम कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी प्रोडक्ट के आगे GST लगा हुआ है उसमें GST कटता है। कैश विड्रॉल भी करते हैं तो उसमें GST नहीं लगता है, और APS से भी हम विड्रॉल करते हैं तो GST नहीं लगता है। वहीं पर जैसे कि मैंने बताया कि APS के थ्रू अगर डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे GST कट जाता है, और CIF से डिपॉजिट करेंगे तो उसका GST नहीं कटता है। तो इन सभी प्रोडक्ट पे APS ऑनेस्ट विड्रॉल करेंगे तो उस पर भी जो विड्रॉल करते हैं उस पर GST नहीं कटता है। तो यहाँ पे छोटा छोटा जो कैश डिपॉजिट पे भी आप देख सकते हैं GST नहीं लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें SBI CSP में वर्क करना है, ताकि हम अधिक से अधिक कमीशन जो है अर्न कर सके। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी नॉलेजबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे लाल से लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि SBI CSP से रिलेटिव या बैंकिंग से रिलेटिव कोई भी अपडेट आती है तो मैं समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।